जब तुमने ड्रॉप शिपिंग में सुन लेते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है वो जो तो उसके कपड़े की चीजें बनाते हैं, तो आप जैसे अगर वो ऑर्डर आएगा उसी मैन्युफैक्चरर से लेंगे डायरेक्टली उसको जो भी आपके कस्टमर से ऑर्डर प्लेस किया उसको भिजवा। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज खुद नहीं खरीद रहे हैं, आपने कोई चीज आपके वेयर हाउस में नहीं है, आपके पास नहीं है, आप जस्ट मीडियम एक यहाँ तक के मैंने ऐसी लेडीज भी देखी है जो घर पे बैठ के शूज बना रही हैं और मेरे लिए तो ये बात काफ़ी यकीन थी कि शूज घर में बनाना किसका आए और ये इस तरह के लेकिन उसको एक फैसिलिटीज नहीं है कि कोई ऐसा यानी कि कोई प्लेटफार्म हो जहाँ पर रहकर वो अपने अपने स्किल्स जो है ना वो पेश कर सके। पहले तो एक चीज़ है कि अगर आप बिल्कुल अभी कॉटेज इंडस्ट्री आपने कभी ऑनलाइन सेलिंग नहीं की है तो आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप पहले लोकली सेलिंग करें, आप दराज के ऊपर अकाउंट बना लें, आप सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाएं अपने जरूर, आप इंस्टाग्राम पे बनाएं, इंस्टाग्राम पर बहुत ऐसी जो लो वैल्यू चीज़ें होती हैं तो वो 200-400 इवन 500-700 वाली चीज़ें भी इंटरनेशनल सेलिंग होती हैं, आपको प्रीमियम चीज़ें 50-60,000 से स्टार्ट हो, पाकिस्तान के जो रग्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री में बनते हैं रग्स उनकी वो डिमांड होती है, ज्वेलरी आइटम की वो डिमांड नहीं है। अपना अमेजन के ऊपर अकाउंट बनाया थर्ड आपको चलेगा उसकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक अकाउंट की वो ऑर्गेनाइजेशन में लिखवाई होनी चाहिए उसके साइन स्टैम्प होना चाहिए। अब ये जो बैंक अकाउंट होगा ना इसके डिटेल्स अपने अमेज़न के अकाउंट पर डाल ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्ट पैसे नहीं आ सकते उसके लिए, बाकी दुनिया में पेपर जरूर होगा आपने सुना होगा, पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक एक पेपर की सब्सिडी है बाकी वॉलेट में भी थोड़ी देर पहले बता दी, आपको अमेज़न एक लिंक प्रोवाइड कर देगा जो आपका अकाउंट वेरीफाई होता है कि आप साइबर वॉलेट पर अपना एक अकाउंट बनाए तो वो सिंपल है उसके नाम और अपने डिटेल्स डाल दिए आपका अकाउंट वो वेरीफाई हो जाएगा, वो हाइपर वॉलेट जो है वो ऑटोमेटिकली लिंक आपने दोबारा जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अमेज़न पे जाएं आप वहाँ पे सर्च करके देखें आपकी जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट है फिर आप उसको देख के कंपेटिटर एनालिसिस जरूर करें। अमेज़न हाईली कंपेटिटिव मार्केट उसमें पूरी दुनिया के सेलर्स होते हैं तो आप इतने आराम से उसमें कम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो भी ब्रांड है मैं उसका नाम ले तो उन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया और कौन सी चीज़ें बनाते हैं और उसके एक दिन में 20,000 ऑर्डर आते हैं अमेज़न के ऊपर, जब लाइक मैं एक साल पहले मेरे सामने सब कुछ स्टार्ट 20,000 क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बहुत दिखने में बड़ी अच्छी है, उसकी डिमांड इतनी महंगी नहीं है, शायद 2,000 तक छुट्टी है वो उसके जो वो एयरिंग्स वगैरह होते हैं लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर इनकेस आप होते ओरा जूस के नाम से अगर किसी ने पेज देखा हो इंस्टाग्राम पर ओरा ओ आर ए एच के नाम से उसकी प्रोडक्ट देखिएगा वो पूरी दुनिया में फेमस है और वो सारा अमेज़न से उसके लॉन्च कर सारी उसकी जितनी मैनुफैक्चरिंग है सारी लाहौर में होती है, लोकल कारीगर है सब यही करते हैं और यूजली खातन भी उसको करती हैं बाकी पॉलिश करा कर उसको बेचते हैं, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जो देखने में अच्छी लगे जिनकी डिमांड हो उनका बहुत ज़्यादा है, चाहे वो 2,000 की चीज़ है लेकिन उसको 20,000-30,000 और जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा अभी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो लोग अपनी वेबसाइट्स मैनेज नहीं कर सकते या बना नहीं सकते वो उनकी किस तरह से हेल्प आउट किया जा सकता है, तो ये एक पोर्टल है पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल .gov.pk के नाम से, इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेवलप करवाया और इसको हमने इसलिए डेवलप कराया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको शायद अपना काम बहुत अच्छा आता है। एक स्टोरी थी पाकिस्तान में रजीदाबाद के पास वो डैगर्स बनते हैं और चूड़ियाँ बनती हैं और कटकरी की चीज़ें बनती हैं, अब वो यूजली ऐसे होते हैं वो 400-500 में अपने जो डैगर्स हैं वो दुबई की कंपनी को बेचते हैं, वो जो दुबई की कंपनी है वो 25-30,000 में बाय करके बेस्ट मिले, वो एक मीटर में भी वायरल से वो 25-30,000 में 400 रुपया कमा रहा होता है। अब उसका मसला ये है उस आर्टिसन का या हर पाकिस्तानी आर्टिसन का जो कि कॉटेज इंडस्ट्री से बिलोंग करता है कि वो उसको शायद अपना आर्ट आता है उसके पास स्किल्स हैं उसको चीज़ें बनानी आती हैं बट उसे जो है मार्केट नहीं करना आता, उसको जो है वो अपनी वेबसाइट नहीं बनानी आती है, उसको अपने रिपोर्ट पैटर्न के अकाउंट्स नहीं बनाने आते लेकिन उसको अपना काम आता है उसको प्रोडक्ट बनानी आती है, तो इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हमने ये पोर्टल बनवाया है गवर्नमेंट का, इसमें कोई पैसे नहीं है कोई फीस नहीं है, इसके अंदर हमने एक वेंडर लाइक दिया और उसको ईमेल कर सकते हैं कि मेरी ये चीज़ें हैं, बाकी तस्वीरें भी बना देगा आपकी चीज़ों की
आपकी वो डिस्क्रिप्शन भी इंग्लिश में डेवलप कर देगा ताकि आपको पूरा अकाउंट उसके ऊपर बना सकें। तो उसके बाद जो अभी हम इसके लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से हम इसको खुद अपने पैसों से डिजिटल मार्केटिंग करके पूरी दुनिया के अंदर इसको प्रमोट करेंगे फंक्शन के आर्टिस्ट की प्रोडक्ट। तो ऐसे वो लोग जिनको नहीं अपनी वेबसाइट से वगैरह मैनेज कर सकते वो इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। वो जो वेंडर है जो हमने हायर किया वो आपको खुद हेल्प करेगा, हर चीज़ आपको बना के भी देगा और आप अपना एक पेज यहाँ से डेवलप कर सकते। नंबर आपके पास एक होगा, जब भी हम रजिस्टर करेंगे आपको एंट्री नंबर मिल जाएगा। सिर्फ उसके वेरिफिकेशन होती है उसको प्रॉपर। इसमें अभी 8,000 पाकिस्तानी जो है प्रोडक्ट्स हैं इसमें और 4,000 कंपनीज हैं। इसको हम अभी डबल कर देंगे अगले साल के अंदर। इसके बाद से मिशन है जो इन्वेस्टिंग है वो भी यूज करके पूरी दुनिया प्रमोट करने के लिए और अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। अभी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चैम्बर्स को प्रोफाइल दे दें कि चैम्बर्स की अपनी प्रोफाइल हो और उनके ज़्यादा मेम्बर्स हैं हम सबकी अपनी प्रोफाइल, तो वो लोग भी अपनी अपनी प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं चैम्बर। हम एम पी सी एस किसी ऐसे बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल चैम्बर्स को इसकी प्रोफाइल दें तो वो भी पिछले अगले 2-3 महीने में वो सब प्रोफाइल भी इसके अंदर बन जाए। तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि केस आप एक दफा इस पर बन जाती हैं, आपकी चीज़ें तस्वीरें बन गई, आपकी डिस्क्रिप्शन बन गई, तो आपने किसी और वेबसाइट पे या अगर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी होती है, आप उस पर ले जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म को अनवोट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर अपने अकाउंट बनाए, आपको सीधा तरीका भी है कि इसके ऊपर ट्रेनिंग भी आती रहती हैं और बाकी इसकी डिजिटल मार्केटिंग के पैसे गवर्नमेंट ने देने होते हैं तो आपकी चीज़ें खुद ही प्रमोट हो सकती है। इससे प्रॉपर प्रोसीजर है, आपके पास सैलरी आते हैं 1,000 बाहर के सैलरी पोर्टल के ऊपर है, वो आपसे मीटिंग भी कर सकते हैं अगर किसी को बल्क में चीज़ चाहिए, आप उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जो 100 लोग अगर मैं इतने भी बना सकती हूँ, 200 इतने बना सकते हैं, सारी चीज़ें इसकी जो है जिसमें ऑनलाइन मीटिंग भी सेटअप हो जाती है, सब कुछ सेटअप हो जाए। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी और चीज़ को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। किसी को भी क्वेश्चन है ई कॉमर्स इंडस्ट्री से पूछते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन का है, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया है, प्लीज उसको शोकेस कर सकते हैं। देखिए आप अमेजन से चीज़ें खरीद के किसी की उसकी मर्जी के वगैरह चल नहीं होती, खुद के लोन नहीं करता, खैर उसको हमें भी जरूरत नहीं है। आप अमेजन से खरीद नहीं सकते, कुछ सैलरीज जो हैं वो अलाउ करते हैं, आपने देखा होगा शिप टू पाकिस्तान आता है उसको, ठीक है वो पाकिस्तान से चीज़ें भेज देते हैं, लेकिन वो अक्सर फिर कहते हैं कि आप वेबसाइट से बाहर से अपने पेमेंट करना है आपको भेज देना, वो इसकी चीज तरीका होता है बट वो एक अनफिशियल सी चीज़ है। लेकिन अगर आप 2,000 के ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्सेस टैरिफ पड़ेगा, आपको इम्पोर्ट ड्यूटीज पड़ेंगे, सब कुछ पड़ेगा। तो डी मिनिमस से नीचे पे आप 2,000 तो कोई अमाउंट नहीं है वैसे, आप पाकिस्तान में बड़े टैक्सेस पड़ते हैं इसलिए पाकिस्तान लोग इतना मंगवाते हैं, यानी एक पैसे को पाकिस्तान से सस्ती चीज़ें हैं। इसी तरीके से जब आप दूसरी दुनिया को भेजें आप वहाँ पर उनका डी मिनिमस देंगे। अब US का जो डी मिनिमस है वो $800 है, $800 का मतलब है 2,00,000 है। आप अगर 2,00,000 तक की भी चीज़ US में इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान में अगर हम मंगवाते हैं उसके मसले रहते हैं, हमारे यहाँ इम्पोर्ट पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि पहले से पेमेंट ना हो तो ड्यूटीज पड़ेगी, और ड्यूटीज का जो होता है लोग ऑर्डर कर लेते हैं, जब वो कस्टम के पास आता है तो उसकी उतनी ड्यूटी होती है और फिर वो लोग छोड़ देते हैं। नंबर वन वॉज घर हुनर, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। लास्ट ईयर हमने 2023 में इसको कंडक्ट करवाया था। एंड द सेकेंड वर्ड इज वेक्स नाइट, जो कि एनुअल रिपीटेशन होती है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दे डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स, और यूजुअली ये हम हॉल में करते हैं बट वी कीबोर्ड रिपीटिंग दिस एग्जीबिशन। उसके अलावा वी हैव इंट्रोड्यूस सर्टेन सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशंस जो कि डिफरेंट टॉपिक्स बेस्ड होते हैं, जिसमें सिंपल टॉपिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं, the official website of the Women on the Floors, and secondly jo advanced level hote hain, for example e-commerce and the product development and marketing sessions. So aaj ka hamara ek basic seminar hai that is trade fair participation. This is the sequence of presentation jisme hum aapko introduce karayenge different importance kya hai aise exhibitions ki, and secondly aap kahan se inko find out kar sakte hain ki kaun se exhibitions mein aapne participate karna hai। इसके अलावा
entrepreneurs के लिए जब subsidies और different initiatives आपको provide करता है for your participation, उसको भी हम discuss करेंगे. First of all, this introduction. Trade fair या exhibition एक ऐसा display होता है जहाँ पे आप अपने products को different objectives से लेकर जाते हैं. उसके कुछ objectives हो सकते हैं, for example, आप सिर्फ showcase करना चाह रहे हैं आपका क्या product है या क्या service आप provide कर रहे हैं being a brand. Number two is the retail of the product or service. यानी आप अपना product वहाँ पे बेचने के लिए जा रहे हैं, for selling purpose आप इस exhibition में participate कर रहे हैं. Number third is to study the practices of manufacturers. जब आप किसी exhibition में जाते हैं तो not only you present your product and service but also you get a chance to learn from your competitors. जो आपके साथ वाले stalls होते हैं वो किस तरीके से consumers को deal कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना product display कर रहे हैं या वो किस तरीके से बाकी businesses के साथ interact कर रहे हैं, you get a chance कि आप उनसे देख के उनसे सीखे. Number fourth is to examine the contemporary market trends. कि मार्केट में इस टाइम किस तरह के प्रोडक्ट्स इन हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से करेंगे, उसकी लेबलिंग किस तरीके से करेंगे, उसको मार्केट किस तरीके से करेंगे. इवन यू गेट टू नो कि कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, तो यू गेट अ चांस टू लर्न दिस बाय डिस्प्लेइंग योर प्रोडक्ट इन द एग्जीबिशन. एंड द लास्ट वन इज द बिजनेस टूरिज्म एंड नेटवर्किंग. क्या आप अगर किसी ऐसे एग्जीबिशन में या ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने फेलो बिजनेस कम्युनिटी के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं. यू गेट अ चांस कि आप उनके साथ किसी जॉइंट वेंचर में या किसी सप्लाई चेन में फॉर एग्जाम्पल आप एंटर हो सकते हैं. देन इज द ब्रीफ हिस्ट्री. नाउ द ट्रेड एग्जीबिशन एंड द एक्सपोजिशन आर नॉट न्यू टू द बिजनेस कम्युनिटी. लेट मिडिल एजेस में ये होता था कि जो बाजार होते थे वहाँ पे जब कोई विजिटर आते थे तो दे यूज टू ओपन अप देयर आर्म्स एंड आर्मामेंट्स इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स. फिर इस तरह से उन्होंने बाजारों से इसको कार्बन्स भी सूरत में लेकर जाना शुरू किया कि डिफरेंट कार्बन्स आते थे और वो एक्सचेंज करते थे जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड आर्मामेंट्स के डेगर्स वगैरह बनाए थे तो वो दूसरों को प्रेजेंट करते थे और वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग इन फॉर्म ऑफ बार्टर एंड ट्रेड होती थी. फिर लेटर ऑन इसको उन्होंने कन्वर्ट किया स्ट्रीट सेलिंग में. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने शुरू कर दिए स्ट्रीट्स में एंड यूज टू कॉल अपॉन द कंज्यूमर्स के लोग उनकी तरफ आए अट्रैक्ट हों बाय टेलिंग देम द नेचर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. एंड ग्रेजुअली इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर एग्जीबिशन जहाँ पर हॉल्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिस्प्ले होते हैं, विच इज द कंटेम्पररी शेप ऑफ एग्जीबिशन. These are the types of exhibitions depending upon their nature. First one is the industry specific trade fairs. Industry specific trade fairs वो होते हैं जहाँ पे आपके पास open options होते हैं कि या तो आप single product वहाँ पे लेकर जाएं. For example, अगर textile का exhibition है, textile है तो वहाँ पे different type of products available होंगे जो सिर्फ textile sector के होंगे. वहाँ पे ready-made garments भी होंगे, वहाँ पे ventilators भी होंगे, home textile भी होंगे, even सिंपल कॉटन फैब्रिक भी प्रेजेंट होगा. उसके अलावा मल्टी सेक्टोरल भी होते हैं कि सिंगल हॉल में ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड, जिसको आप मल्टी सेक्टोरल इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड फेयर कह सकते हैं. द सेकंड वन बी टू बी बॉन्ड, जिसको हम ट्रेड शो कहते हैं. बी टू बी में आप बिजनेस टू बिजनेस ही कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जॉइंट वेंचर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यू कैन हैव चांस कि आप किसी इंटरनेशनल बायर के साथ कनेक्ट हो जाएं जो कि आपको बाहर से ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ से आप प्रोड्यूस करके उनको बेचेंगे और यू गेट अ चांस टू गेट इन्वॉल्व इन द डाइवर्स सप्लाई चेन. एंड द लास्ट पॉइंट जिसकी तरफ एंटरप्रेन्योर्स का ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है, दैट इज द कंज्यूमर शो, जो कि आप लोग जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एग्जीबिशन करवाते हैं जिसमें आपका सोल पर्पज होता है रिटेल एंड सेल्स. हम क्यों पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीबिशन में, उसके कुछ पॉइंट्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपको एक चांस के लोगों का इनकम होगा, बायर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे और दे गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट. तो आपको अपना इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आपको रीच आउट नहीं करना पड़ता इंटरनेशनली, रादर द कंज्यूमर कम्स टू यू टू गेट नो हाउ अबाउट योर प्रोडक्ट. देन इज टू स्टडी द
हैं, इसके बाद बाकी लोगों को देखते हैं कि वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यू गेट टू नो अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड यू गेट टू नो अबाउट देयर स्ट्रैटेजी। तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक दैट यू रिसीव फ्रॉम द कंज्यूमर्स। देन इज आप अपने अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है, आप उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप उसको पिच करना चाह रहे हैं, तो एग्जीबिशंस आर अ वेरी गुड मार्केटिंग टूल कि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि यू कैन इवन प्रोवाइड दिस सैम्पल्स, आप फ्री सैम्पल्स दे सकते हैं ताकि लोग उसको यूज करें, और इफ दे लाइक योर प्रोडक्ट दे विल देन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम योर ऑफिशियल स्टोर्स और वेबसाइट्स। And then it is a broader platform जहाँ पे अपने ideas आप exchange कर सकते हैं। Mostly हम यूँ करते हैं कि जो government initiatives होते हैं उसमें हम exhibitions के side by side capacity building training programs भी introduce करवाते हैं, ताकि जो लोग entrepreneurs अपने display करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पे उनको एक और opportunity मिले कुछ सीखने की। For example हम marketing के ऊपर trainings देते हैं, या फिर company registration के ऊपर, और even e-commerce के ऊपर training। So you get प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। नेक्स्ट, हाउ टू प्लान। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं किसी एग्जीबिशन में, देयर आर फोर इजी स्टेप्स कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, नंबर वन इज द 10% कोटा जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व है, और नंबर टू इज 50% सब्सिडी ऑन स्टॉल फीस। कोई भी अगर स्टॉल फीस एडवर्टाइजमेंट में है, फॉर एग्जांपल 10 लाख है, तो वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसको इंटरनेशनल इवेंट्स में। देन इज 50% सब्सिडी ऑन डेलीगेशन, कि अगर कोई डेलीगेशन जा रही है जिसमें वुमन एंटरप्रेन्योर्स का भी हमने कोटा रिजर्व रखा हुआ है, तो अगर उसके साथ जो आपका एयर टिकट होगा उसके अलावा आपका जितने नाइट्स के वहाँ पे होगा उन नाइट्स के हिसाब को, नाइट के हिसाब से आपको $100 दिए जाएंगे पर नाइट अगर आप नाम लिखती हूँ, क्योंकि मैं अटक से बिलोंग करती हूँ, मेरा बहुत बड़ा फखर है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फखर है। और आप लोग इसी तरीके से आप लोग भी आगे आए, जो लोग अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हमने मिडल मैन को ख़त्म किया है, तो चेंबर ने भी मिडल मैन को ख़त्म कर दिया है। हमारी प्रोडक्ट अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो डायरेक्ट वो आप तक उसकी पेमेंट आएगी, चेंबर उसमें से कुछ भी नहीं रखेगा। चेंबर फैसिलिटेशन होता है जो आपको देता है, और टीडैप भी है जो एग्जीबिशन में आपकी प्रोडक्ट के हवाले से जितनी चीज़ें हैं सब टीडैप पर ख़वातीन को प्रमोट करने की, जो उनके पास जो स्किल्स हैं उनको ग्रो करना है। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है या कोई ऐसा मौका हमें दिया जाए ताकि उन सबको मैं कलेक्ट करूँ, सबको इकट्ठा करूँ, उनको दावत दी जाए जिनके पास हुनर है, एम्ब्रॉयडरी से लेकर ड्रेस डिज़ाइनर्स तक हैं मेरे पास, या बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं पेंटिंग्स उनके पास अच्छी अच्छी, लेकिन उनके पास एक प्लेटफार्म है, उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है ना। कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जिसके थ्रू वो अपने आप को मनवाएं, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्किल्स को जो है ना वो खुद भी फ़ायदा उठाएँ और बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों, और ख़ासकर औरतों के लिए, डिवेलपमेंट के लिए, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हम करें। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आप मौसम चेंज हो रहा है तो हम उसको प्लान करेंगे इन आफ्टर ऑगस्ट। और इसके अलावा वैक्सनेट है, वैक्सनेट होगा इन दिसंबर, तो वैक्सनेट में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, बिकॉज हर होना ही आपको मैन्युफैक्चर करती हैं। नहीं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो प्रोडक्ट्स क्या है? मैं डिज़ाइनर, मेरे ड्रेसेस हैं एंड हैंडीक्राफ्ट हैं। डॉक्टर आरिफ साहब, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई टीम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आई है, और ये मैं समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट जो है बहनों के लिए उसका बेनिफिट है। अब इसके लिए बहुत सारी हमारी बहनों को शायद ये नॉलेज नहीं होगा कि क्या चीज़ है, लेकिन आप यकीन जानिए कि अटक जैसे पसमानदा इलाके में टीडैप की टीम का आके ट्रेनिंग देना ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं। जॉब्स तो अब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई इतनी नहीं है, और हर हमारी बहन अगर अपना कोई ना कोई छोटे से छोटा अगर बिजनेस भी अपने तौर पे वो डेवलप करती हैं, तो सबसे बेस्ट आपका फॉरन जो है वो यहाँ से आपको गाइडलाइन भी मिलेगी, आपके प्रोडक्ट को अप टू द मार्क के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई
अखराजात की ज़रूरत नहीं होती या कुछ ऐसी चीज़ें होती, सिर्फ आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, उसके लिए कोई इतना लंबा चौड़ा खाता नहीं है। जो हम लोग अपने चैम्बर में आके तो अपने आईडी कार्ड के साथ अपने बिज़नेस को आप लोग रजिस्टर्ड करवाएं। आप लोग ये मत सोचें कि मेरा बिज़नेस बड़ा नहीं है या मैं घर में बैठ के बिज़नेस कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी फैमिली की छोटी सी भी सपोर्ट कर सकते हैं आप, अपना बिज़नेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आज की ट्रेनिंग से हमने बहुत अच्छा सीखा है। और ये जब आज आप अपना NTM लेती हैं, ये आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए बेस्ट वे है। आप लोग जब बाहर कहीं भी अपना जैसे ये कह रही हैं कि हम लोग बाहर एक्सपोज होती हैं, तो जब आप एक्सपो के लिए कहीं भी जिस लोगों को कैमरा नजर आ रहा है, कैमरे को वो लोग नजर नहीं आ रहे, विजिबल हो रहे हैं थोड़ा सा। आप लोगों को कैमरा नजर आ रहा है लेकिन कैमरे को आप नजर नहीं आ रही है। अरे